We'll be right back.
नव्या के लिए मेरा एक ही मैसेज है, स्टे एज ब्यूटिफुल एज एम्पावरिंग एंड एज स्ट्रॉन्ग एज यू आर. हर साल नव्या स्ट्रॉन्गर, मोर ब्यूटिफुल और मोर फेमस हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं उसके लिए. डिफिकल्ट टाइम्स गोइंग ऑन, आप जानते हैं कि अभी कोरोना चल ही रहा है, तो इस माहौल में बर्थडे में आई शरीक हुई, आप क्या कहना चाहेंगे, वो कितना चल रहा है? मुझे अच्छा लगा कि बर्थडे एज पर द कर्फ्यू नॉर्म्स, एज पर जैसे आप देख रहे हो हमने मास्क पहने हुए हैं, हम कर्फ्यू के विद इन बर्थडे नव्या ने अपना रखा है, वो कोई रूल्स नहीं तोड़ रही. आई थिंक देयर इज लेस पीपल और सोशल डिस्टेंसिंग, सो आई मस्ट से पार्टीज एंड एवरी थिंग कैन गो ऑन अगर हम सेफ हैं और हम इस सावधानी से चीज़ें करें. दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट. पहले हर कोई भी चीज़ जब आती है तो वो उसे अपनाना डिफिकल्ट होता है, पर एक बार आप उसे अपना लो, आई एम श्योर चीज़ें ईजी हो जाती है. अब तो मास्क के बगैर ऐसा लगता है कि हम बाहर भी नहीं जा सकते. And lastly, you know, surprise people with something different doing every time. So, अभी क्या आगे करने वाले? अभी the surprise is my new look. I have lost 10 kilos and I'm going to be getting back hopefully to acting. And so 2021, you see a new me. Thank you. Hi. Hello, my beautiful. मेरे I'm sorry, I didn't get. Oh, lovely. Thank you. Please, I want photographs. Wearing mask. Thank you so much, all of you. And I'm so happy being here with Hoide Abhi without mask. Yes. But we are respecting also what हमारे CM ने कहा है. ये काफ़ी respected चीज़ें हैं. हम काफ़ी social distancing का भी ख्याल रख रहे हैं. Actually, it's very important. It is. And to be with people you trust. Like, I trust Navya. So I know for a fact she's just had a bath and she's just dressed up and she knows I'm safe. So that's important. Of course, sanitizing करते रहो. Curfew के norms में जैसे नव्या ने party रखी है, सब ने mask पहने हुए हैं, कम लोग हैं. That's great. नव्या जी, क्या करना चाहेंगी आप? मतलब इतने difficult times में birthday celebrate कर रही हैं, काफी लोग भी आने वाले हैं, आ भी चुके हैं, क्या चाहेंगी? आगे का क्या आपका है इरादा? मतलब brand ambassador बन चुकी हैं, बड़े-बड़े fashion shows की part रह चुकी हैं, आगे क्या करने वाली हैं? टू बी वेरी ट्रूथ कि मैं जानती हूँ कि 2020 हमारा बहुत ही बुरा गया है. हमने बहुत सारे अपने खोए हैं, इवन मैंने खुद की, मेरी दादी, माय दादी इज़ नो मोर नाउ. बट आई थिंक ये बर्थडे उन सभी के लिए एक गिफ्ट है, छोटा सा मेरी तरफ से 2020 को एक गिफ्ट है. लोग कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सफरिंग का माहौल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ही डिप्रेशन एंग्जाइटी रहा है, लोगों ने सुसाइड किए. हमारे अच्छे अच्छे बॉलीवुड के आर्टिस्ट, जो कि मुझे भी समझ में नहीं आता है कि जिनका नाम इतना बड़ा है, बड़े लेवल पे नाम होने के बाद उन्होंने ही सुसाइड किया है, तो हम जैसे लोगों के लिए तो इट वुड बी मोर डिफ़िकल्ट. बट हाँ, मेरे लिए मेरा ये बर्थडे मैं उन सभी लोगों की याद में सेलिब्रेट कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हाँ, दुख का पल बहुत हो गया, और शायद कोरोना ने हमें जीना सिखा दिया है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना है. यानी कि अगर ये वायरस है या फिर ये इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो हमें प्रिकॉशंस रखने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करना है, बट हाँ, लाइफ भी जीनी है. And your trans community हर फील्ड में कामयाब हुई है, जी हो रही है, और जी बिल्कुल, लोगों का नजरिया ही बदला है उनके प्रति, तो उसके बताइए वो कितना अच्छा लगा. आपको बताना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि जी हाँ, मैं बिल्कुल मिस ट्रांस कुनिंडा की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और
मैंने 10 से ज़्यादा फैशन वीक किया है, मैंने बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक में अर्चना कोचर के लिए वॉक किया है, पद्मश्री अवार्डेड वेडनल रॉड्रिक्स के लिए वॉक किया है, टेडेक्स में मैं मोटिवेशनल स्पीकर रह चुकी हूँ, जो कि आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक बिहार के छोटे से गाँव से होके आने के बाद इतना बड़ा सफ़र तय करके मुंबई जैसे शहर में अपना एक छोटा सा मुकाम बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक हाँ, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे ट्रांसवुमेंस हैं जो पायलट हैं, जो कि जज हैं, पुलिस हैं, और आज अपने हर तबके पे नाम रोशन कर रही हैं। तो जितना अचीवमेंट किया अभी हाल ही में लक्ष्मी आई थी, जो लक्ष्मी नारायण जी, हाँ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, आप चाहती हैं कि आप पे भी कोई मूवी आए, और आए तो क्या सब्जेक्ट को क्या शोकेस करना चाहेंगे? अगर मेरे पे कोई बायोग्राफी आएगी तो डेफिनेटली इट वुड बी अ ट्रू आइडेंटिटी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम कहीं ना कहीं अपनी एक आइडेंटिटी के लिए ही लड़ाई करते हैं, समाज से भी, खुद से भी, फैमिली से भी। तो अगर ये कोई भी फिल्म आनी चाहिए या इस तरह की कुछ भी आनी चाहिए तो मेरे ख्याल से ट्रू आइडेंटिटी वुड बी द गुड बेस्ट नेम इस टाइम। अभी एक फिल्म भी आई थी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है गज़ल धारीवाल, उसने राइटिंग किया था, शी वॉज द राइटर। तो आई थिंक इस तरह की LGBT फिल्में आनी चाहिए, बट अच्छा मैसेज देना चाहिए। और जो वेन्यू में करी ललित ग्रुप हमेशा सपोर्ट करता है आपकी कम्युनिटी को, और जो भी होता है तो क्या करना चाहेंगे इस ग्रुप के बारे में, ललित ग्रुप का मतलब? ऑफ कोर्स यस, ललित ग्रुप के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहा है LGBT कम्युनिटी को लेकर के, और यहाँ पे कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्क करते हैं, काम करते हैं, एंड आई थिंक मुझे भी कहीं ना कहीं ललित से काफ़ी बहुत बड़ा ही प्लेटफॉर्म मिला है आज के डेट में। मैं यहाँ पे परफॉर्म करती हूँ एज अ KT2 आर्टिस्ट, तो यस दिस इज ग्रेट, थैंक यू। और देखिए, और नव्या मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, और आज नव्या का बर्थडे है, और हर साल हम साथ में ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और मैं तो चाहूँगी कि नव्या अपनी लाइफ में बहुत आगे सक्सेस हो, और कामयाबी ऐसे कामयाब तो है ही नव्या, और अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आपके बारे में कुछ बताइए, आप क्या कर चुकी हैं अभी तक, क्या आपका पैशन है, एक्टिंग से जुड़ी हैं या नहीं है, क्या है आगे? देखिए, मेरा नाम है ना मीना धनराजन, राजस्थान से हूँ, और मैंने बहुत सारी भोजपुरी फिल्में की हैं, मैंने TV सीरियल किए हुए हैं, हिंदी TV सीरियल किए हुए हैं, और अभी भी मैं एक मूवी कर रही हूँ जो कि हमारी कम्युनिटी के ऊपर है। तो ये जानना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री में आपको काम मिलता है, किस तरह से लोग ट्रीट करते हैं आपको, क्योंकि माहौल काफ़ी बदला है, लोग की सोच बदली, अच्छी सोच हुई है, तो उसके बारे में बताइए करना चाहेंगे। देखिए, हमारी कम्युनिटी को लेके लोग पहले करते थे, लेकिन अभी इतना नहीं है, क्योंकि लोगों की सोच चेंज हो रही है, और इस बहुत अच्छी बात है कि लोगों की सोच चेंज हो रही है, और हमारी कम्युनिटी, हमारे जैसे लोगों को काम मिल रहा है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। और अगर आप में टैलेंट है, और अगर आप में टैलेंट है, एक्टिंग है आपके अंदर, तो ये सब चीज़ें आसान रहती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आपकी आपकी जो मतलब लीडर कह सकते हैं लक्ष्मी नारायण जी पे जो फिल्म बनी है, उसके लिए बताइए कितना बड़ा एक ट्रिब्यूट है आप लोग की कम्युनिटी को देकर। बहुत अच्छी बात है हमारी कम्युनिटी के लिए, तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसी मूवी बन रही है, और हमारी कम्युनिटी आगे जा रही है, और लोग जान रहे धीरे धीरे कि हम भी रोड से लेके हम भी अच्छे काम कर सकते हैं अपने लाइफ में, नॉर्मल लोगों के मुकाबले में एक अच्छे। मैं वैसे जानना चाहूँगा कि मीना जी हैं, आर्टिस्ट जी हैं, क्या कहना चाहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में भी इनको काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पांस मिला, काफ़ी काम मिला, उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? मीना तो लाखों में एक है, रिसेंटली ही इसके बर्थडे में भी मैं गई थी, एंड इट वाज रियली वेरी अमेजिंग, और हमेशा से हमारी दोस्ती कई सालों से रही है, एंड काफ़ी अच्छी बंदी है, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का बर्थडे एक ही साल में, एक ही टाइम में होना चाहिए। तो ये जानना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री में जो आप लोगों का रवैया है, लोगों का, जैसे मैंने पूछा उनसे, आप क्या समझते हैं कि किस तरह से लोग देखते हैं, नज़रिया बदला है काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री में? देखो, लोगों का रवैया तो वही रहेगा, हम इंडिया में रहते हैं, और कहीं ना कहीं आज भी काफ़ी स्टीरियोटाइप है ट्रांसजेंडर्स को लेकर के, लोगों को उतनी समझ नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, बट हम जैसे कलाकार, हम जैसे आर्टिस्ट, और अगर अच्छी फिल्में बनेंगी, अच्छे स्क्रिप्ट पे फिल्में बनेंगी जो लोगों की आंखें खोले, जो लोगों को एक सही दिशा दे, तो आई थिंक वो जो स्टीरियोटाइप है वो नहीं रहेगा, तो लोगों का दिमाग थोड़ा चेंज। अब लक्ष्मी बोम जैसी फिल्में आई हैं, और अभी वेब सीरीज से बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं, पति पत्नी और पंगा, ये इस तरह की फिल्में स्टीरियोटाइप ही दर्शाती हैं, ये कोई समाज में शिक्षा या फिर समाज में कोई एक अच्छा संदेश नहीं देती है, मुझे नहीं लगता है। बीइंग एज ए एक्ट्रेस, बीइंग एज ए ट्रांसवुमन मॉडल, बीइंग एज ए ट्रांसजेंडर वुमन, मुझे लगता है करके कि
मेरी जर्नी काफ़ी अलग रही है और मैं एक बिल्कुल ही वुमन की तरह, फीमेल की तरह एक नॉर्मल आम जिंदगी जीती हूँ। जिस तरह का जो दर्शाया जाता है, जो एकदम भयावह सा दर्शाया जाता है, वो कहीं ना कहीं अब दूर करना चाहिए। समाज चेंज हो रहा है, 2020 एंड होने वाला है, समाज ने इतना कुछ दिया है, हमें यूनिवर्स ने इतना कुछ दिया है, फिर भी हम क्यों उन डकियानुसी बातों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो बॉलीवुड को काफ़ी अपना कॉन्सेप्ट चेंज करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो लास्टली ये जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट भी हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रही है, आपके तरफ से क्या मतलब है कि कुछ क्या चेंज होना चाहिए लॉ के हिसाब से या क्या? देखिए 2014 में ही नालसा जजमेंट जब आया था, जहाँ पे थर्ड जेंडर का रिकग्नाइजेशन किया गया था, और हमें बहुत खुशी हुई थी, हम जितने भी ट्रांसजेंडर वुमेन से एलजीबीटी समुदाय को बहुत खुशी हुई थी कि चलो उनको एक नाम मिला है। बट चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं आज भी। चलो मैं एक इस्टेब्लिश पर्सन हूँ, मीना धनराज एक इस्टेब्लिश पर्सन है, चलो हम कहीं पे जाते हैं लोग हमारी बात सुनते हैं, पर उनका क्या जो बिल्कुल ही आम है, जो कि सिग्नल पे भीख मांगते हैं, जो कि सेक्स वर्क करते हैं, जिनके पास कुछ काम नहीं है, वो क्या करेंगे? जो पढ़े लिखे नहीं है, जो वेल एजुकेटेड लोग नहीं है, उनके लिए क्या होगा? तो सरकार ने होना चाहिए कि उनको एक स्पेशल सा जो चीज़ें हैं उनको मुहैया करवाए। सरकार को होना चाहिए कि हमारी महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे जो कि हमारे सीएम हैं, जिन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में मेरे बर्थडे से पहले कर्फ्यू लागू हो गया, और हम काफ़ी सम्मान करते हैं इस चीज़ का, और हम काफ़ी पालन भी कर रहे हैं कि हाँ चलो सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। सब जानते हैं कि न्यू ईयर का टाइम आ रहा है और सब घर से निकलना चाहते हैं, सब इन्जॉय करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं कोविड और कोरोना की वजह से हमने काफ़ी चीज़ों को जो है संतुलित तरीके से लेके चल रहे हैं। तो हाँ, अगर हमारे सीएम साहब चाहें या फिर हमारे महाराष्ट्र में अगर चीज़ें हो सकता है तो हमारे ट्रांसजेंडर के लिए आश्रम खोल सकते हैं, एजुकेशन का एक अलग से प्रबंधन कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। थैंक यू। एक गाना है, जैसे आपने पूछा कि क्या कहना चाहोगे, तो एक गाना है बहुत फेमस, कहना ही क्या, तो वो डिजर्व करती है, और वाकई इनके बारे में जितना हम कहें उतना कम है, और मुझे लगता है कहने से रात भी चली जाएगी, बात भी पूरी होगी नहीं, तो इससे बेहतर है मैं कुछ ना कहूँ और कुछ ना कहे, मैं बहुत कुछ कह जाऊँगा अपने बातों बातों में, ऐसा मुझे लगता है। और नाबिया, वाकई आज तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, और माशाल्लाह इसी तरह खूबसूरत जैसे तुम दिखती हो, खूबसूरती अपने बिखरती रहो सब जगह। थैंक यू सर, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। एंजॉय लाइफ। मेरे लिए बहुत मैटर करता है राजकुमार कनौजिया सर आए हैं, एंड जाहिर सी बात है कि इन्होंने बहुत ही पहुँची हुई हंसी हैं सर, पहली बात तो, और हर कोई जाहिर सी बात है इनकी एक्टिंग का दीवाना है, खासकर मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इनकी, एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये मेरे बर्थडे में। और मुझे और अच्छा इससे लगा कि मेरे साथ मेरी फ्रेंड है अन्नू जी, हाँ भी आई हुई है, और ये भी नाबिया को विश करना चाहती हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much. The theme is also a Barbie doll party. So theme बताई नहीं गई थी। So every girl is for me, every woman is a doll. तो जिंदगी में हर लड़की चाहती है कि वो एक बार डॉल की तरह तैयार हो। तो मैंने सोचा कि चलो मैं यही थीम पे पार्टी रखती हूँ, जिसमें कि सबकी दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी। मतलब अभी एक शूटिंग वगैरह शुरू हो चुकी है, फिल्म आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स आने, कौन सी फिल्म के पार्ट हैं और कितने एक्साइटेड हैं जो आने वाले? सबसे पहले तो बता दूं, मेरी अभी फ्राइडे को ही फिल्म रिलीज हुई है ओम प्रकाश जिंदाबाद, जिसमें कि मेरा बहुत अच्छा रोल है कॉमेडियन एज अ छम्मन नाम है कैरेक्टर का, और लोग पसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट कोमल नाहटा ने रिव्यू दिया है, मेरे बारे में भी बोला है कोमल नाहटा ने। और उसके अलावा 25 तारीख को अमेजन प्राइम वीडियो पर कुली नंबर वन आ रही मेरी, जो अभी 25 को रिलीज है, बहुत बड़ी रिलीज है। उसके बाद राधे हैं, फिर बाद में मेरी टोटल 9 फिल्में हैं जो एक के बाद एक, आमिर खान प्रोडक्शन की है फैक्ट्री, तो ऐसे तमाम 9 फिल्में, ये मैं बड़ी फिल्मों के नाम गिना आपके सामने। तो ये बताइए, कुली नंबर वन के पार्ट है, राधे के पार्ट है, कुली नंबर वन की ओटीटी पे आ रही है और शायद राधे भी ओटीटी पे ही आएंगे, तो वो चीज़ आपको क्या लग रहा है, एक फिल्म का जो लार्जर देन लाइफ इमेज है वो छोटा कर रहा है अगर देखा जाए तो? देखिए बात सही है आपकी, लेकिन थिएटर थिएटर ही होता है, लेकिन अभी क्या करें, जैसे पैंडमिक सिचुएशन है, तो सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हमको कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है और ठीक ही है। और इसमें भी देखने जाओ तो हर एक चीज़ के प्लस और माइनस रहते हैं, और इसका प्लस ये है कि घर बैठे जब हम थिएटर में पॉपकॉर्न खाते थे, यहाँ घर बैठे आप अपना डिनर करते हुए देखेंगे, तो हर एक चीज़ के प्लस माइनस पूरी फैमिली के साथ देखेंगे। हाँ, वो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट exactly. है, क्योंकि हम अपने बड़े बुजुर्ग को इस टाइम पे हम बाहर ले नहीं जा सकते हैं, बेस्ट टाइम कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके पिक्चर दे सकते हो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, सही कहा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
One thing I want to tell that the future is very bright, and I'm so glad to be here. And she's so pretty, so gorgeous. Thank you. Not only by face, but by heart. Uh-huh. And that's a great one, actually. By heart, and whenever I meet, you know, like I feel that I'm meeting with the next superstar, and she deserved that. She deserved to be next superstar, and the projects we have in pipeline, of course, it is going to be a rocking 2021, and my best wishes with Nivea, and may God bless us, us and her especially, and my best wishes. Recently you were awarded from the Midday brand, so uske bare mein bataiye ki wo kitna acha experience tha aur kitna bada achievement tha. Midday is something which is very prestigious for me, not just because that I won award, but I respect Midday very much, and getting you know, iconic celebrity and marketing movie marketer from Midday is something very special, and I'm looking forward for 2021. Of course, 2020 is nobody want to talk about, but 2020 has given us lots of things. हमें बहुत सारी शिक्षा दीक्षा मिल गई है. At least we have few music videos online. Of course, ma'am is going to be over there, and we will try our little best that how we can utilize this opportunity, and 2021 is going to be rocking for all of us, inshallah. Thank you. And Corona is going to be Corona ka dasanskar hoga. Thank you. Thank you. Thank you.